यहाँ पर देखना मट्टी देखो भाई कितनी ज्यादा उड़ा रही है, ऑलमोस्ट इधर पूरा धूल धूल कर दे रही है भाई साहब। फिर से जलवे पे आ चुकी है फिर। मेरा नाम है अली और आज की वीडियो के अंदर 2024 के अंदर आपको एक स्टंट कार चाहिए, वो भी 1000 रुपए के अंदर, वो भी बहुत ही ज्यादा मजबूती वाली गाड़ी। ये लो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ 1000 रुपीज के अंदर, छोड़ो ये 900 रुपए के अंदर मिल जाती है, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आज की वीडियो के अंदर फुली टेस्ट करके बताऊंगा और अनबॉक्सिंग भी कर बताऊंगा गाइस। चलिए भाई ये 900 रुपए की गाड़ी को खोल के चेक करते कैसी दिखती है। तो ठीक है गाइस मैं अभी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ काफी मजबूती वाली गाड़ी को। इसका नाम यार मुक्का कार है जो कि स्टंट कार के तरफ से ही आ जाती है। ठीक है गाइस इसको फटाफट अनबॉक्सिंग करेंगे, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देखो यार ये 4 व्हील यानी कि 4 व्हील्स इसके घूमते, यानी कि 4 व्हील ड्राइवर, बहुत ही खतरनाक तरीके से ये रोडों के ऊपर चलती है। रिसेंटली इसके साथ में ऑफ रोडिंग टेस्ट कराया था, उसके अंदर तो इसने धूल धूल मचा दी क्योंकि 900 रुपए की है और इसके अंदर इतना ज्यादा पावर है दोस्तों। ये इतनी ज्यादा मजबूत है ना यार, पूछो न को मैं इसको फ्लोर से भी गिरा के टेस्ट करा फिर भी ये नाइट टूटी। ये वाली गाड़ी के मैं थोड़े बहुत फीचर्स आपको बताता हूँ। ये 4 वॉट है यानी कि इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव मोटर लगी हुई है जो कि हाई स्पीड वाली है। स्टॉप यानी कि ब्रेक सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर ना यार स्टॉप मोशन लगा हुआ है। यहाँ पर और एक चीज आपको समझा तो बेसिकली क्या होता बोले तो एक बटन दबाए तो जो इसकी चैसिस है वो 6 mm तक ऊपर हो जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट है अपने में। आपकी गाड़ी की प्राइस कितनी है मालूम, खाली 900 रुपए के अंदर आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, यानी कि अभी प्राइस इसका ड्रॉप हो चुका है। ओके गाइस ये गाड़ी का जो स्केल है ना 1:16 स्केल के अंदर आ जाता है जो कि आप इजीली मार्केट से परचेस कर सकते हो। और ये गाड़ी के जितने भी फीचर्स है ना, रिमोट भी बहुत ही बेहतरीन बना है। रिमोट की फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से फॉरवर्ड हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम भी हो जाता है। यानी कि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है बोले तो एक बटन दबाते की जो इसकी चैसिस दिख रही है वो 6 mm तक ऊपर हो जाती है। 900 रुपए के अंदर आपको चैसिस भी मिल रही है। इस इनसाइड के वाले एपिसोड के अंदर मैं इसको खोल के चेक करा तो इसके अंदर मेरे को लोहे का रॉड मिला भाई, ये मेरे को काफी ज्यादा मजेदार दिखा। अंदर इतने ज्यादा चीजें मिल रही है भाई, ऐसे मैं इसको फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेता हूं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओ भाई साहब देखो यार डब्बे को साइड में फेंकता हूं अपनी गाड़ी निकल जाती है। ढक्कन में ऑलरेडी खोल के रखा था क्योंकि बैटरी में अभी चार्ज कर रखा हूं दोस्तों। ओके गाइस स्टंट कार को निकाल चुका हूं भाई। अब देखो दोस्तों थोड़े थोड़े व्हीलों के ऊपर डस्ट लगा हुआ है, आपको बता दिया मैं इसके साथ में ऑफ रोडिंग भी टेस्ट कर बता दिया था, ऑफ रोडिंग भी करेंगे इस वीडियो के अंदर और देखेंगे कितनी ज्यादा मजबूत है भाई। यहाँ पर देखो प्लास्टिक देखो भाई कितना ज्यादा मजबूत है। ओ भाई मेरे को मार लग गया यार, फियर्स प्लास्टिक की क्वालिटी है, मजबूत निकलेगी। यहाँ पर देखो व्हील्स देखो भाई, व्हील्स कितने ज्यादा फ्लफी है। ये देखो गाइस इसकी गर्दन दब यानी कि इतना ज्यादा ये फ्लफी निकला भाई। और इसकी ग्रिपिंग देखो भाई कितनी ज्यादा मजबूती वाली दिखे, यहाँ पर भी ग्रिपिंग 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 बहुत जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ग्रिपिंग मिल जाती है। ओके इसको साइड में रखूंगा, रिमोट की बात करूंगा, अगर एक बटन दबाऊंगा ना ये कंटिन्यूस ब्लिंक करने लगेगा। तो दोस्तों अब इसको बंद करने का कुछ भी अपन के पास जुगाड़ नहीं है, 2.4 GHz का रिमोट है लेकिन असल में तो ये बिल्कुल भी इतना रेंज प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये मोका कार का भी रेंज टेस्ट कर दिया है, वो भी आपको समझा देता हूं भाई। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से लगा हुआ मेरे को ये बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा मजबूत है, तो आज मैं इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूं, फिर देखने वाला हूं ये बचेगी या नहीं बचेगी। गाड़ी इतनी ज्यादा सॉलिड है ना मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, खाली चला के बता दूं रैपचिक चलती दोस्तों। ऑफ रोड में रहने दो, कोई से भी टेरेन्स में रहने दो भाई, रैपचिक बोले तो रैपचिक। मोका कार की बैटरी देखो पूरी तरीके से अभी चार्ज हो रही है, जैसे कि इसके अंदर अभी रेड बत्ती चल रही है तो अपनी जो बैटरी है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इसके अंदर चार्जिंग भर रही है। 7.4 वोल्ट की बैटरी असल में 500 mAh ये प्रोड्यूस कर देगी मोका कार को चलने के लिए। अभी जैसे ये बैटरी फुल चार्ज होती है ना, यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेटर दिख रहा है ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा दोस्तों 5-10 मिनट के अंदर। 5-10 मिनट तो नहीं यार, 1 घंटा तो आप चार्जिंग पे लगाओ अपनी मोका कार, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड भागेगी दोस्तों। क्वालिटी में आज मैं आपको तूफान खड़ा कर दूंगा ये सस्ती कार से भाई। इंफॉर्मेशन सिस्टम बंद करेंगे अपन, इसको फ्रंट लेके आएंगे। ये देखो गाइस ये बाइक के तरह भी बन जाती है, कभी कभी बाइक भी दिखती है। जैसे मैं 1 बटन दबाऊंगा तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, इसे बटन दबाऊंगा अपने पोजीशन के ऊपर होल्ड हो जाती है। वापस मैं इसको डिफॉर्मेशन ऑफ कर दूंगा, नॉर्मल हो जाएंगी, यानी कि कोई भी टेरेंस के ऊपर वर्क करना चालू कर देंगे। आप अपनी गाड़ी को ना काफी दूर भिजा के देखेंगे ये रिटर्न आएंगी या नहीं आएंगी, नहीं मालूम, इसको दूर भिजा के देखेंगे। और ये जो रिमोट है ना 2.4 GHz का हाई नहीं है एक्चुअल में, वो भी चेक करेंगे अपन। धूप बहुत ज्यादा है तो इसको काफी दूर भिजा के देखेंगे, रेंज भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ लेंगी भाई। यहाँ पर मैं इसको काफी दूर भिजा रहा हूँ, ये देखो गाइस लगभग मैं इसको 1-2 मीटर तो पूरा भिजा चुका हूँ यार। ये देखो यार 2-3 मीटर में इसकी हवा टाइट हो चुकी है, ज्यादा दूर नहीं जा सकती जैसा दिख रहा हो। और भी दूर भिजेंगे दोस्तों, इसका 2.4 GHz का रिमोट नहीं काम कर रहा है लगभग, पर देखना मैं इसको ऑलमोस्ट काफी दूर भिजा चुका हूँ लेकिन ये जल्दी जल्दी कैच नहीं कर रही है, यानी कि सिस्टम इसका कैच ही नहीं हो रहा है। 2.4 GHz का रिमोट है और ये काफी स्पीडली चलती है। यहाँ पर आप देखना भाई ट्रैक्सो सेंस मैक्स वाली कार की फीलिंग भी दे सकती है दोस्तों। अगर आपको 1 लाख
लाख रुपए की कार की फीलिंग लेना है, आप 2000 रुपए की कार लेके भी फीलिंग ले सकते हो भाई। यहाँ पर देखना कितनी ऑसम दिख रही है भाई, यहाँ पर देखो इसकी जो रेंज है ना ऑलमोस्ट काफी ज्यादा है भाई। ओके गाइस, यहाँ पर देखना मट्टी देखो भाई कितनी ज्यादा उड़ा रही है, ऑलमोस्ट इधर पूरा धूल धूल कर दे रही है। इसका मतलब इसकी जो मोटर है वो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा पावर है, लिटरली मानना पड़ेगा इसकी स्पीडनेस को। यहाँ पर देखो भाई कितनी ज्यादा उड़ा रही है, ऑलमोस्ट ये पूरी तरीके से भीग चुकी है रेतीली मट्टी के अंदर, 60 डिग्री फिर रही है भाई। इसका काम ही तो है 360 डिग्री फिरना है दोस्तों। गाइस भाई का जलवा काफी बड़ा है, वीडियो के अंदर बने रहना, इतनी ज्यादा खतरनाक है यार। देखो यार भाई ने जलवा स्टार्ट कर दिया है दिखाना, यानी कि इसका जो मोटा पावर है वो काफी खतरनाक है भाई। ये लो गाइस आपके सामने मैं जलवा रख रहा हूँ, ये देखो यार ये मॉन्स्टर बन चुकी है, यानी कि डिफॉर्मेशन सिस्टम ये ऑन कर चुकी है। और भाई लुक देखो कितना ज्यादा खिल के आ रहा है इस गाड़ी के अंदर, जब भाई साहब फिर से जलवे पे आ चुकी है फिर से। मेरे को तो ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगी, क्योंकि इतने ज्यादा फीलिंग दे रही है ना यार। मेरे को ट्रैक्सस एक्स मैक्स की फीलिंग दिख रही है, ट्रैक्सस के जितने भी कार्स है ना यार 1-2 लाख का उन लोगों का फीलिंग दे रही है यार मेरे को तो। यहाँ पर देखना भाई ये जो कार डिफॉर्मेशन होती है ना उसके बाद इसकी स्पीड 10 गुना एक्स्ट्रा हो जाती है। लो जी भाई इसकी हालत देखो कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट इसके ऊपर पूरी तरीके से मट्टी लग चुकी है, यानी कि इतना ज्यादा अपन ऑफ रोडिंग इसके साथ करा चुके हैं। पर देखना पूरी तरीके से इसके अंदर मट्टी निकल चुकी है, और भाई इसकी हालत देखो कैसी ज्यादा मैली हो चुकी है। छोटा सा बवंडर कैसा लगा, अपनी छोटी सी कार ना इतना ज्यादा बवंडर क्रिएट कर दिए भाई, पूछो नको गाइस ओरिजिनल कार के तरह ये भी बवंडर क्रिएट कर सकती है भाई। मजा आ गया भाई आज की वीडियो के अंदर, ऐसा मजा आया, लेकिन बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। ये गाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत है यार, हद से भी ज्यादा यार क्रेजी गाड़ी है, 900 रुपए के अंदर मिल रही है भाई, इतनी रैपचिक चलती है भाई खतरनाक। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत, जब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपको ये गाड़ी कहां से खरीदना है वो तो आपको इजीली ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाके कहीं से भी आप गूगल के ऊपर सर्च मार के गाड़ी को परचेस कर ले सकते हो, या अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आपको ये गाड़ी इजिली मिल जाती है। गाड़ी से आप चलाओ, मस्त चलती दोस्तों, बाय बाय।